क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है विशाल? जब ये असाइनमेंट तुमने मुझे दिया है तो ये क्यों इंटरफेयर करती है? मैं तो सिर्फ इसकी हेल्प कर रही थी। माया, शी इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। बट आई डोंट नीड एनी हेल्प विशाल। माया प्लीज रिलैक्स। लीव मी अलोन विशाल। तुम्हें तो ये मुझसे छीन चुकी है और अब मेरा असाइनमेंट भी छीना चाहती है। जान क्यों नहीं छोड़ देती हम सबकी? क्यों इतना वक्त लगा रही है जाने में? शरम माया, शरम। माया, तुम्हें क्या जरूरत थी माया और मेरे बीच आने की? कोई ना अपॉलोजाइज टू गो विशाल। माया छोड़ो मुझे। माया मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे जाना था विशाल। I'm sorry माया, I'm really very sorry. No you're not. I love you माया, I really love you. हेलो जी, एक मिनट। कृष्णा, तुम्हारा फोन है। हेलो जी, ताऊ जी, जी ताऊ जी, विशाल, विशाल ताऊ जी का फोन आया था। माँ घर आई है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जाओ ना। माया, तुम्हें कृष्णा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे बहुत दुख पहुंचा होगा। I know विशाल, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। I'm really very sorry विशाल, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माया, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। Try to be patient, I will. अच्छा विशाल, मैं चलूं, मुझे काम भी कंप्लीट करना है ना। माया सुनो, माया अभी भी वक्त है, हम पद्म सीज का असाइनमेंट तृष्णा से करवा सकते हैं। आई मीन, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो, अदरवाइज मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। तुम क्या चाहते हो? तुम ही बना लो। I won't let you down, Disha. लगता है वो आ गई। माँ, आ गई मेरी बेटी। माँ बेटी बातें करो, वही मैं भीतर चलता हूँ। बैठी ना भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाने दो माँ, जाने दो, इन्हें वैसे भी मेरा चेहरा पसंद है। आज सुबह ही कह रहे थे कि मैं दिन भर इनका दिमाग चाटती रहती हूँ, इसलिए जबरदस्ती मुझे आज ऑफिस भेज दिया। अच्छा, कहले कहले, एक बार माँ को जाने दे, ऐसे कान पकड़ के खींचूंगा कि बस। भाई साहब, पहले तो मुझे इस बात का डर था कि पता नहीं आप इसे खुश रखेंगे या नहीं, पर मुझे अब ये पूछना पड़ रहा है कि ये आपको जरूर से ज्यादा तो तंग नहीं करती? माँ, तुझे अब भी मेरी फिक्र लगी है?
भला इस घर में मैं कभी दुखी हो सकती हूँ? और वो भी ताऊजी के होते हुए। तो तुम दोनों बातें करो। हाँ बेटा, विशाल कब आए? आ जाएंगे, मतलब शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ये बता, आज कैसा लगा ऑफिस में शादी के बाद? आई मीन लोगों का बर्ताव पहले जैसा? हाँ माँ, बिल्कुल पहले जैसा था। इनफैक्ट आज हमने इतनी मस्ती की, इतना मजाक किया माँ, इतने जोक्स मैं बता नहीं सकती। आज मैं इतना हंसी हूँ कि अरे माँ, ये चाय संस्कारी ने बनाई है ना, जरूर गंदी होगी। मैं तेरे लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। So, daughter darling, how was your day? Very nice, Baba. Good. फिर वही पालक, फिर वही घास फूस। रमनेश, खाने की मेज पर तो अच्छी बातें किया करो। एक गुड न्यूज है। अच्छा, गुड न्यूज? कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा, और क्या? हाँ मिला है, पर तुम्हें तो मेरी तरक्की पसंद ही नहीं। क्यों? मैंने ऐसा कहा क्या? बस यही कहना बाकी रखा है। प्लीज पापा, आप दोनों झगड़ा किए बिना खाना नहीं खा सकते क्या? क्यों पहेलियां बुझा रहा है, बता दे उसे। स्विट्जरलैंड का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक महीने के लिए हम सबको स्विट्जरलैंड जाना है। सच? दो साल पहले जापान जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? स्विट्जरलैंड जाएंगे। देखा, और तुम लोग कहते हो मैं झगड़ा करता हूँ। बहू, बस अब ये तय करना है कि स्विट्जरलैंड जनवरी में जाना है या अप्रैल में। अरे जनवरी में कैसे जा सकते हैं? आप जानते नहीं क्या, जनवरी में हमारे लेडीज क्लब का इलेक्शन होता है। तुम्हें तो बस अपनी लेडीज क्लब की पड़ी रहती है। ओफो, इतनी सी बात में फिर लड़ने लगे। अरे भाई, जनवरी में ना सही, अप्रैल में चले जाएंगे। ठीक है, तो तय रहा, वी आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड इन अप्रैल। लेकिन हम अप्रैल में कैसे जा सकते हैं? अप्रैल के लिए तो सिर्फ 6 महीने बाकी है, और 6 महीने बाद तो मेरी शादी होने वाली है। इतनी सारी तैयारियां करनी होगी, आप लोगों को ना कुछ याद ही नहीं रहता। भूल गए, तृष्णा के डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने बाद वो तो माया ने सॉरी कहा है। इट्स ऑल राइट विशाल, दरअसल विशाल गलती मेरी ही थी, मुझे उसे डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे जरिए कहलवाती तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। एक्चुअली विशाल, पदमसीज हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि वो डिजाइंस देखकर नाराज हो जाए। I know, Trishna. Anyway, it's sorted out now. वैसे विशाल, माया बहुत समझदार लड़की है, बस थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव है। पर कभी कभी इनसेंसिटिव हो जाती है। नहीं विशाल, अगर कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसा ही करती। तुम भी जानते विशाल, बहुत मुश्किल होता है किसी गैर के साथ अपनी मोहब्बत को शेयर करना। मुश्किल क्या,
नामुमकिन होता है और माया इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है। I can't blame her for this. लेकिन कृष्णा, उसे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। नहीं विशाल, सच पूछो तो मैंने ही उसे ऐसा कहने के लिए उकसाया था। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मैंने जिस मकसद से तुमसे शादी की वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। भगवान जल्दी ही मुझे अपने पास बुला ले। कृष्णा प्लीज प्लीज ऐसी बात मत करो। जब भी मुझे इस बात का एहसास होता है तो मुझे अपने आप से घृण होने लगती है। सच कहूं कृष्णा तो मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। माया की मोहब्बत और तुम्हारी जिद ने मुझे मजबूर किया है। विशाल प्लीज तुम ये बात मत भूलो कि शादी हम तीनों की खुशियों का जरिया है। पता नहीं कृष्णा, ये तो वक्त ही बताएगा किसको कितनी खुशी मिलती है और किसको कितना गम। गम? हाँ कृष्णा, साथ रहते रहते तो गहरों से भी लगाव हो जाता है और तुम तो मेरी। आई मीन हमारी दोस्तों। कृष्णा, तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृष्णा, तुम नहीं जानते कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। अब तो मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे शुरू होती है और तुम ही पे खत्म। विशाल प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मुझे तुमसे प्यार होने लगेगा। कृष्णा, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। विशाल यस कृष्णा, आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मिस्टर पद्मश्री, मैंने आपके समर कलेक्शन के लिए एक बहुत ही ओरिजिनल और एक्साइटिंग रेंज क्रिएट की है एंड दिस इज द फर्स्ट सैंपल। मेरे पास और भी काफी डिजाइंस हैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। आर यू श्योर दीज आर फॉर मी? यस, इजंट इट वंडरफुल? आप देखिए तो। वेल, आई एम सॉरी बट आई वांट टू सी विशाल। आई एम सॉरी मिस्टर पद्मश्री, आई एम लिटिल लेट, आई एम सॉरी। वेल दैट्स ओके विशाल, बट व्हाट इज दिस? ये डिजाइंस मेरे लिए? एनीथिंग रॉन्ग? एनीथिंग रॉन्ग मतलब दिस इज नॉट डन विशाल। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारी ब्रांड की एक इमेज है, एक आइडेंटिटी है, एक ट्रेडिशन है, बट दिस इज समथिंग एल्स। वेयर इज माय रेगुलर डिजाइनर? वो क्या नाम है उसका? कृष्णा, वेयर इज शी? आई जस्ट कॉल हिम। कृष्णा, अंदर आना। कृष्णा को बुलाने की क्या जरूरत है?
मिस्टर पदम सिंह, आप मुझे कहिए, मैं आपके लिए कोई भी डिजाइन बना सकती हूँ, आप प्लीज मुझे एक चांस तो दीजिए मिस्टर पदम सिंह। माया, माया प्लीज। जी विशाल। आ, देयर यू आर। कृष्णा, आई वांट यू टू डू ऑल माय डिजाइंस। हाँ कृष्णा। एंड यस, आई हैव अ सजेशन। पुणे के पास देयर इज अ विलेज कॉल्ड सुपेला गांव। वहां का विलेज आर्ट बहुत ही खूबसूरत है। कृष्णा, I want that you should go there personally and select some interesting designs for me. Any problem with you? Not at all. Okay, then make arrangements for her to leave immediately. लेकिन विशाल, पदम सिंह के डिजाइन्स तो मैं बना रही थी। नहीं माया, वो असाइनमेंट्स तो हमेशा से कृष्णा हैंडल करती है, इसे ही करना। तो मेरा रेगुलर डिजाइनर, वो क्या नाम है उसका, कृष्णा, वेयर इज शी? शट अप माया, शट अप। ये लीजिए, इसमें हमने पराठे और मटरियां रख दी हैं। अगर भूख लगे तो पराठे खा लीजिएगा, वरना मटरियां खा लीजिएगा। संस्कारी, तुम नहीं मानोगे, मैं दो दिनों के लिए तो जा रही हूँ। दो दिनों के लिए? अरे पहले कहती तो पूरा खाना बना देते। क्यों ताऊ जी, अब आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं ताऊ जी, मैं अकेले जाऊंगी, वहाँ बहुत ठंड है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तेरी तबीयत खराब हो गई तो? मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा, मैं यहीं आकर दम तोड़ूंगी। फिर बार बार वही बात क्यों दोहराती हो? ताऊ जी, अगर मैं ये बात याद रखूंगी तो ही अपने जज्बात पर काबू पा सकूंगी, वरना जज्बात का सैलाब तो इंसान को जीने ही नहीं देता। कृष्णा, ताऊ जी ड्राइवर आ गया। चलो बेटे।